हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस CDS की रिक्रूटमेंट निकला हुआ है यहाँ पे, जो कि इस बारे में। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म का जो कि फिलअप करने में। तो दोस्तों, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम जो CDS 2019 होने वाला है, इसके लिए एप्लीकेशन शुरू हो गया 31 जो कि अक्टूबर 2018 से। लास्ट डेट है 26 नवंबर 2018 तक 6 PM तक अब अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो कि है 26 नवंबर 2018 तक, अब जो कि लास्ट पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन में। और एग्ज़ाम डेट जो है 3 फरवरी 2019। आपका एडमिट कार्ड जो है मिल जाएगा जनवरी 2018 में, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा मार्च में। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे जनरल OBC वालों के लिए 200 रुपीज़, SC ST फीमेल के लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पे इसको अप्लाई करना होगा। वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पे 417 जिस पोस्ट है यहाँ पे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2001 तक आपका जो कि एज लिमिट होना चाहिए। पोस्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, टोटल पोस्ट यहाँ पे 100। एलिजिबिलिटी है पास्ट एफआईआरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएशन डिग्री और बैचलर डिग्री आप इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में से कर चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इंडियन नेवल एकेडमी INA, जिसका वैकेंसी है 45। इसका भी सेम रहेगा आपका एज लिमिट, और इसके साथ साथ इसका भी क्वालिफिकेशन भी आपको सेम रहेगा। उसके बाद है एयरफोर्स, जिसका 32 वैकेंसी निकला हुआ है, और एज लिमिट इसका सेम ही रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम विद फिजिक्स मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA, जिसका वैकेंसी है 225, एंड OTA वुमेन, जिसका वैकेंसी 15। इसका भी सेम रहेगा आपका एज, और अगर आप बैचलर डिग्री पास कर चुके हो कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी यूनिवर्सिटी से, तब अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना, ऑनलाइन में जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके लिए इसका मैं ऑनलाइन के लिंक मैं नीचे दे दूँगा। इसके साथ साथ इसका जो सिलेबस है उसका मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह यह सिलेबस यहाँ पे रहेगा और किस तरह से आप अप्लाई कर जो कि पढ़ सकते हैं आपके। उसके साथ साथ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट में भी मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बेसिकली यहाँ पर इसका जो सिलेबस है ये यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे चलाया UPSC कॉम्बाइंड जो कि डिफेंस सर्विस के जो 2016 CDS सिलेबस है उसका कुछ यहाँ पे। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको रहेगा इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ड्यूरेशन रहेगा पर सब्जेक्ट अप टू 2 आवर्स के, और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा यहाँ पे 100। तो 100 के आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा, आपको 100 में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और आपका टाइम रहेगा 2 आवर्स। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंग्लिश में जो कि इंग्लिश में सब कुछ आपको क्वेश्चन होगा, हिंदी में नहीं होगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो कि यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और ये इसका सिलेबस है। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।